नमस्कार दोस्तों, SLC क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वह पढ़ेंगे मेलविल डेवी की बायोग्राफी। ठीक है, जो आज की क्लास में साथी अपन जो पढ़ेंगे वो टॉपिक का नाम क्या रहेगा? मेलविल डेवी की बायोग्राफी। देखो मेलविल डेवी की बायोग्राफी के साथ अगर अपन बात करें क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि साथी आप किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है, आप चाहे से बिहार लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हो, चाहे से पंजाब लाइब्रेरी, KVS, NVS, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम के साथ ही आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी वनडे कॉम्पिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या अपन बात करते हैं आप के जो है UGC नेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, साथ ही हर जगह जो है आपको मेलविल डेवी की बायोग्राफी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, हर जगह अपन क्या करते हैं, मेलविल डेवी की बायोग्राफी पढ़ते हैं। साथ ही जहां पर लाइब्रेरी का नाम आ जाता है, जहां पर आपका लाइब्रेरी सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे हो, वहां पर आपको दो बायोग्राफी आपको सबसे पहले पढ़नी होती है। दो बायोग्राफी से हमेशा क्वेश्चन बन के आते हैं। एक जो बायोग्राफी का जो क्वेश्चन साथ ही होता है डॉक्टर SR रंगनाथन, एक क्वेश्चन आपका जो है आपकी डॉक्टर SR रंगनाथन बायोग्राफी है, वहां से एक दो क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं। और एक साथ ही जो क्वेश्चन बन के आता है हमेशा, वह मेलविल डेवी की बायोग्राफी से हमेशा एक या दो क्वेश्चन आपके बन के आते हैं। ठीक है, अब कई स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं ना, सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी यहाँ से क्वेश्चन बन के आएगा। अरे मेरे साथी, सिलेबस में नहीं है, लेकिन जहां पर लाइब्रेरी का नाम आ जाता है, जहां पर पुस्तकालय का नाम आ जाता है, भारत में पुस्तकालयों के जो है, जो अपन बात करें आंदोलन के जनक, तो आपके भारत में जो है सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय कहलाते हैं, लेकिन उनके बाद में एक पुस्तकालय को एक अच्छी स्थिति तक लाने के लिए जो वर्तमान जो स्थिति है, जो वर्तमान में आप एक लाइब्रेरियन को प्रोफेशनल के रूप में देखते हो, आप प्रोफेशनल कोर्स के रूप में देखते हो, वर्तमान में जिन राज्यों में आपके पुस्तकालय अधिनियम पारित हो रहे हैं, जो आप पे ग्रेड देखते हो आप जो, ठीक है, ये सभी डॉक्टर SR रंगनाथन के प्रयासों से हुआ है। ठीक है, अगर अपन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय आंदोलन के जनक, विज्ञान के जनक, पुस्तकालय विज्ञान के जनक, आपके वर्गीकरण के जनक, ठीक है, USA में पुस्तकालय आंदोलन के सूत्रधार की अगर अपन बात करते हैं, जहां पर लाइब्रेरी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाइब्रेरी का नाम आता है साथी, तो सबसे पहले अपन जो नाम लेते हैं वो मेलविल डेवी का लेते हैं, क्योंकि इन्होंने साथी इनके जो है इनके आने के बाद में जो पुस्तकालय को जो गति मिली है, जो पुस्तकालय के विकास की गति प्राप्त हुई है, वो सर्वाधिक इन्हीं के काल में होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत में डॉक्टर SR रंगनाथन के प्रयासों से। इसलिए अपन क्या करते हैं, इन दो की बायोग्राफी हमेशा पढ़ते हैं, जैसे आपके कोर्स में है, चाहे आप साथ ही लाइब्रेरी का जो एग्जाम दे रहे हो वहां पर, जैसे लाइब्रेरी का एग्जाम हो गया आ रहा है, ठीक है, आपने एग्जाम जैसे ही लाइब्रेरी का नाम आता है आपको दो बायोग्राफी आपको साथ ही पढ़नी होती है। ये बायोग्राफी अगर अपन बात करें बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से पढ़ेंगे, जीरो लेवल से पढ़ेंगे, जीरो से अपन बात करें हाई लेवल तक, जहां तक आपके कंसेप्ट वाइज क्वेश्चंस बन के आते हैं वहां तक अपन सभी साथी एक एक चीज कंसेप्ट वाइज अपन पढ़ेंगे। क्लियर है, याद रह जाएगा? तो बिल्कुल साथी, एक एक चीज को आपको जो लिखवाया जा रहा है, आपको एक एक चीज को क्या करोगे, अपनी कॉपी में लिखोगे, नोट साथी साथ के साथ बनाते हो। मैं बार बार हर क्लास में यही बोलता हूँ साथी, आपकी जो मंजिल है, जो आपके लक्ष्य है, वो क्या है, लाइब्रेरियन बनना है, पुस्तकालय अध्यक्ष बनना है। आपका एक ही सपना होना चाहिए, एक ही आपका उद्देश्य, एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम जो है लाइब्रेरियन बनेंगे। लाइब्रेरियन बनने के लिए साथ ही आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, साथ के साथ जो है नॉन टेक्निकल पार्ट है, चाहे आप KVS की तैयारी करें तो नॉन टेक्निकल जो पार्ट हो गया आपका रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, या आप अदर कॉम्पिटिशन की तैयारी करो, जैसे बिहार लाइब्रेरी की तैयारी करो, तो अपना साथ ही नॉन टेक्निकल जो पार्ट लाइब्रेरियन के साथ साथ नॉन टेक्निकल पार्ट भी आपको क्लियर करना है, दोनों को जो है ना, दोनों को मजबूत करना है। ऐसा नहीं लाइब्रेरी साइंस है इतना आप तैयारी कर रहे हो और ये इसको इतना यहाँ पर, नहीं, आपको दोनों को साथ ही मजबूत करके चलोगे, दोनों को आप मजबूत करके दोनों को जो है बराबर लेकर चलोगे, तो साथ ही जो है सरकारी नौकरी जो पाने का आपका सपना है, जो आपका माँ बाप का सपना है कि मेरा बेटा या बेटी जो सरकारी नौकरी के पद पर क्या हो, वहां पर एक उनकी भी हो सीट हो, तो साथी वो आराम से सपना भी क्या होगा, पूरा होगा। लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से एक स्मार्ट स्टडी करोगे ना, तो साथी कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर है? दूसरी, आपको जो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, चाहे से आप अगर ऑनलाइन क्लासेस की अपन बात करें, लाइव क्लासेस की अपन बात करते हैं, नोट्स की अपन बात करें, आपका हर संडे टू संडे टेस्ट हो रहा है उसकी अपन बात करें, ये साथी 100% के साथ कहता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है, तैयारी आपको करनी है। क्लियर है? तो आज की क्लास का साथी अपन टॉपिक की अपन बात करें, आज की क्लास में टॉपिक का साथी नाम क्या रहेगा, मेलविल डेवी
ठीक है। देखो मेलविल डेवी की अगर साथी अपन बात करते हैं, साथी आपके सामने जो है कुछ फोटोज है जो ये किन की है, मेलविल डेवी की है। तो आज का टॉपिक डालो मेलविल डेवी की बायोग्राफी, या अपन बोल सकते हैं बायोग्राफिकल स्केच। ठीक है, देखो यहाँ पर टॉपिक का साथी क्या रहेगा, आपका नाम रहेगा मेलविल डेवी। ठीक है, मेलविल डेवी बायोग्राफिकल स्केच। देखो बायोग्राफिकल स्केच बोल सकते हैं, या अपन बोल सकते हैं बायोग्राफी अपन बोल सकते हैं, आज की क्लास का टॉपिक रहेगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं मेलविल डेवी की, अपन बात करते हैं मेलविल डेवी। ठीक है, मेलविल डेवी ये जो है, मेलविल डेवी है इनका साथी। सबसे पहले अपन नाम से प्रारंभ करते हैं कि इनका नाम क्या है, इनके डेट ऑफ जन्म कब होता है, इनकी मृत्यु कब होती, बिल्कुल कंसेप्ट वाइज एक एक चीज अपन पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, इनका नाम साथी जो है, इनका पूरा नाम क्या है आपका, मेलविल लुइस, ठीक है, कोसुथ डेवी। ये क्या है इनका साथी पूरा नाम है, इनका जो पूरा नाम है, इनका पूरा नाम क्या है, मेलविल लुइस कोसुथ डेवी। ठीक है, होता क्या है साथी, जब इनके अभिलेखों की अपन बात करें, जो इनके शासकीय अभिलेख है, शासकीय अभिलेख है जो 9th 10th हो गया आपके ग्रेजुएशन की अपन बात करते हैं, वहां तक साथी इनका जो नाम था मेलविल लुइस कोसुथ डेवी था। ठीक है, इनको जो नाम थोड़ा सा इनको बड़ा लग रहा था, इनको क्या लग रहा था, नाम थोड़ा सा बड़ा लग रहा था। जब भी अपना परिचय किसी व्यक्ति को, जब भी इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो अपना नाम जो है इनको बड़ा लगता, नाम जो है इनको लेने में बड़ा लगता था। ठीक है भाई, याद रह जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अपने नाम को क्या कर लिया, शॉर्ट कर लिया, अपने नाम को क्या कर दिया, ये जो नाम है इसको शॉर्ट मतलब छोटा नाम कर दिया भाई, और शॉर्ट क्या कर दिया, मेलविल डेवी कर दिया। ठीक है, मेलविल डेवी कर दिया। तो आपसे पूछा जाए कि भाई मेलविल डेवी का पूरा नाम क्या है, अगर आपसे एग्जाम में बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछे मेलविल डेवी का पूरा नाम क्या है, तो साथ ही मेलविल डेवी का पूरा नाम क्या है, मेलविल लुइस कोसुथ डेवी। ठीक है, इनके अगर अपन बात करते हैं जन्म की, अगर अपन बात करते हैं किनके अपन बात करते हैं साथी, इनके जन्म की अपन बात करते हैं, एक एक चीज को साथी कंसेप्ट वाइज पढ़ते रहो। ठीक है, इनके जन्म की अपन बात करते हैं भाई, इनका जन्म कब होता है कब नहीं होता, एक एक चीज की अपन बात करते हैं जन्म। ठीक है, जन्म की साथी अगर अपन बात करते हैं, ये जो जन्म होता है इनका, वह जन्म कब होता है साथी आपका, 10 दिसंबर 1851। इनका जो जन्म होता है वह कब होता है साथी आपका, जो होता है इनका जन्म होता है 10 दिसंबर 1851। क्या होता है, जन्म होता है जो कि ये जन्म इनका हो रहा है, ये कहां पर साथी होता है, एडम सेंटर। कहां पर होता है, एडम सेंटर, जो कि कहां पर पड़ता है आपके, न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहां पड़ता है, यूएसए में पड़ता है भाई। ये लो आपके यूएसए में क्या होता है, इनका जन्म हो जाता है। जन्म कहां पर होता है साथी, ये होता है एडम सेंटर न्यूयॉर्क यूएसए में होता है। क्लियर है, इनकी जो मृत्यु होती है, ठीक है भाई, ये जो इनकी मृत्यु होती है, मृत्यु की अगर अपन बात करें 26 दिसंबर, ठीक है, 26 दिसंबर अगर अपन बोल सकते हैं, 26 दिसंबर 1931 को साथी कहां पर मृत्यु होती है, फ्लोरिडा में। ठीक है, फ्लोरिडा कहां पर पड़ता है, यूएसए में है। ठीक है, यहाँ पर साथी इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो आपसे पूछा जाए कि भाई मेलविल डेवी की मृत्यु कब होती है, तो सर जी मृत्यु होती है 26 दिसंबर 1931 को। ये कई बार एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कई बार क्या है आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो मेलविल डेवी का इनका जन्म कब होता है, तो साथी मेलविल डेवी का जन्म कब होता है, ये होता है 10 दिसंबर 1851 को होता है। कहां पर होता है, ये फ्लोरिडा में होता है। कहां पर हो रहा है, फ्लोरिडा में, सॉरी एडम सेंटर न्यूयॉर्क शहर में होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है, मृत्यु पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कब होती है, तो मृत्यु होती है 26 दिसंबर 1931 को मृत्यु होती है। और मृत्यु कहां पर होती है साथी, फ्लोरिडा यूएसए में क्या होता है, हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। देखो इनके अगर अपन बात करें माता पिता के नाम की, अगर अपन बात करते हैं, वैसे माता पिता का जो है ना, अगर अगर बेसिक से अगर अपन बात करें, तो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन बन के नहीं आता है। ठीक है, तो माता पिता की अगर साथी अपन बात करें, इनके पिता का जो नाम है जोविल देवी है। ठीक है, जोविल देवी है, जो पैसे से क्या थे, मोची थे। अगर पैसे से अगर अपन बात करते हैं, तो पैसे से क्या थे, मोची थे। और अगर अपन मदर्स की अपन बात करते हैं, ठीक है, मदर्स नेम की अगर साथी अपन बात करते हैं, तो जो मदर्स नेम का, जो इनका माता का नाम है वो क्या है, एलिजा। क्या है भाई, एलिजा ग्रीन्स है।
ठीक है, एलिजा ग्रीन्स क्या साथी इनकी माता का नाम है, एक बार इसको लिख लो। इसके बाद अपन क्या करते हैं साथी, अपन आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल कंसेप्ट वाइज एक एक चीज को अपन पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक बेसिक तरीके से। ये जो चीज ध्यान रखना, ये आपका ज्यादा क्वेश्चन आपका बन के यहाँ पर माता पिता के नाम से क्वेश्चन बन के नहीं आता है, तो क्लास को पोस्ट करो और एक एक चीज को लिखते रहो। आगे आ जाओ भाई, आगे साथी अपन बात करते हैं, देखो इनकी, ठीक है, आगे अपन बात करते हैं साथी इनकी पत्नियों की, अपन बात करते हैं जो मेलविल देवी है, ठीक है, जो ऐसा मेलविल देवी है, इन मेलविल देवी की अगर साथी अपन बात करें तो इनके जो दो पत्नियां हैं कितनी है भाई, दो पत्नियां बोल सकते हैं, दो वाइफ बोल सकते हैं अपन, जैसे डॉक्टर एस आर रंगनाथन की अगर अपन बात करें तो उनके भी साथी कितनी थी, दो वाइफ थी, ठीक है, एक रुक्मणी थी दूसरी शारदा थी। रुक्मणी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है कुएं में गिरने से, ठीक है, जब पानी निकाल रहे थे, जब अपन बायोग्राफी पढ़ा था तो बिल्कुल बुरा कंसेप्ट से पढ़ा था कि इस प्रकार से मृत्यु होती है, उसके बाद में जो है दूसरी पत्नी उनकी जो शारदा है, और उन्हीं का जो लाइब्रेरी शादी अगर अपन बात करें डॉक्टर एस आर रंगनाथन के करियर में जो सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा है तो किसका रहा है, वो पैसा जो है शारदा से, शारदा जो उनकी दूसरी पत्नी है उनका ज्यादा उनको सपोर्ट रहा है, ठीक है, पैसों से अपन बोल सकते हैं, हर क्षेत्र के अपन बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार मेलविल डेवी के साथ यहाँ पर दो पत्नियां हैं, एक तो जो है वाइफ है, अगर फर्स्ट वाइफ की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, किसकी अपन बात करें यहाँ पर, फर्स्ट वाइफ जो पहली पत्नी है इनकी अपन बात करते हैं, तो फर्स्ट वाइफ का साथी नाम क्या है, एनी आर गोडफ्रे। क्या नाम है भाई, एनी आर गोडफ्रे है, ठीक है, एनी आर गॉडफ्रे। ये एनी आर गॉडफ्रे साथी जो है अगर अपन बात करते हैं तो इनका जो है, जहाँ इनकी शादी होती है 1872 में, और ये कब तक चलती साथी, 1922 तक चलती है। कब तक चलती है, 1922 तक चलती है, 1872 से लेकर 1922 तक। इनका साथी एक जो है, एक सन भी, वही एक बेटा भी होता है इन दोनों से, ठीक है, उसका नाम क्या है साथी, गॉडफ्रे डेवी है। क्या नाम है भाई, गॉडफ्रे डेवी है। जो मेले जो डीडीसी का जो जो है 15th एडिशन आता है, रिवाइज एडिशन आता है, ठीक है, उसकी अगर अपन बात करते हैं तो उसका जो है रिवाइज एडिशन आने वाले कौन है आपकी, वह आपकी गॉडफ्रे डेवी है। दूसरी वाइफ के अपन साथी अपन बात करते हैं तो दूसरी सेकेंड वाइफ साथी अगर अपन बात करते हैं तो सेकेंड वाइफ कौन है भाई, इमली, ठीक है, ये सेकंड वाइफ का नाम है साथी आपके एम के, ठीक है, ये जो है इनकी वाइफ रहती है साथी 1924 से लेकर, ठीक है, 1924 से लेकर 1931 तक। उसके बाद में तो क्या हो जाता है, मेलविल डेवी की मृत्यु हो जाती है। तो मेलविल डेवी के साथ दो पत्नियां हैं, एक जो है फर्स्ट वाइफ का नाम है एनी आर गॉडफ्रे, सेकंड वाइफ का नाम है एम जो है इमली, अपन बोल सकते हैं एमली एम के बील बोल सकते हैं, ठीक है। इनका जो है, इनका जो है अगर साथी अपन बात करते हैं, इनका जो है ना कोई बेटा बेटा नहीं है, जहां पर एक ही मेलविल डेवी के जो सुपुत्र है उनका नाम क्या है, गॉडफ्रे डेवी। गॉडफ्रे जो डेवी व्यक्ति की अगर साथी अपन बात करते हैं, जो डीडीसी का जो 15th एडिशन आता है वो 1951 में आता है, उसका रिवाइज एडिशन पुनः मुद्रित संस्करण आता है 1952 में आता है, तो वही वो लाया किसके द्वारा, गॉडफ्रे डेवी के द्वारा। इसके बाद में डीडीसी का कोई भी संस्करण जो है ना, ना तो संपादक रहे हैं ना कुछ ज्यादा योगदान रहा है, क्लियर है, एक बार साथी इसको लिख लो। इसके बाद अपन क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पोस्ट करके एक एक चीज को साथी लिखते रहो। देखो यहाँ पर अगर अपन साथी अपन आगे अपन बात करते हैं, आगे आ जाओ एजुकेशन की, मेलविल डेवी के साथ ही अगर अपन बात करते हैं एजुकेशन की, अगर अपन बात करते हैं भाई इन्होंने एजुकेशन कहाँ कहाँ से प्रारंभ की, किस प्रकार से, देखो एजुकेशन की अगर साथ ही अपन बात करते हैं, ठीक है, तो ये एजुकेशन साथ ही जो एमसेट कॉलेज, ठीक है, एमसेट कॉलेज है जो कि न्यूयॉर्क शहर में है, ये वर्तमान समय में क्या होगी साथी, एमसेट यूनिवर्सिटी है। ये वर्तमान समय में क्या है, एमसेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ से क्या किया, वर्तमान समय की अपन बात करें प्रेजेंट समय की, उस समय क्या थी, ये कॉलेज थी। यहाँ से इन्होंने साथी 1800 अगर अपन बात करें 76 की अपन बात करते हैं तो 1876 में तो साथी इन्होंने क्या किया, यहाँ से बैचलर डिग्री की, क्या की, यहाँ से बैचलर डिग्री की है भाई, ठीक है। और इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में साथी अगर अपन बात करते हैं 1877 में यहीं से इन्होंने क्या की है, मास्टर डिग्री भी की है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, यहाँ से मास्टर डिग्री भी की है। और 1800 साथी अगर अपन बात करते हैं 1876 में ही जो एमसेट कॉलेज है,
ठीक है, एमसेट कॉलेज है, यहीं पर क्या बनते हैं, लाइब्रेरियन बनते हैं। 1876 की अगर साथी अपन बात करते हैं, यहीं पर इसी कॉलेज में एमसेट कॉलेज की जो लाइब्रेरी है वहीं पर लाइब्रेरियन बनते हैं, और यहीं से सर्वप्रथम साथी जो पुस्तकालय के क्षेत्र में जो करियर प्रारंभ होता है वह आपके यहीं से प्रारंभ होता है। इसके बाद में जो डीडीसी का पहला संस्करण आता है 1876 में, 1876 में आता है, उसका पहला जो एडिशन जो निकाला गया था वो किस पुस्तकालय के लिए निर्माण किया है, वो एमसेट कॉलेज की जो लाइब्रेरी है उसके लिए क्या किया था, निर्माण किया था। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि भाई जो एमसेट जो लाइब्रेरी है, जो एमसेट कॉलेज है, यहाँ पर एमसेट जो कॉलेज है यहाँ पर साथी अगर अपन बात करते हैं इसकी लाइब्रेरी में क्या बनते हैं भाई, लाइब्रेरियन बनते हैं। इसकी जो लाइब्रेरी है यहाँ पर जो है क्या बनते हैं, मेलविल डेवी लाइब्रेरियन भी बनते हैं। ये लाइब्रेरियन साथी कब बनते हैं, 1876 में बनते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर सॉरी मेलविल डेवी जो है सर्वप्रथम पहली बार लाइब्रेरियन कब नियुक्त किया गई, तो साथी पहली बार नियुक्त किया गया एमसेट जो कॉलेज है इसकी लाइब्रेरी में क्या बनते हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष बनते हैं। क्लियर है, एक बार इसको लिख लो, एक एक चीज को साथी बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से लिखते जाओ, आगे अपन बात करेंगे। आज की क्लास की अगर साथी अपन बात करते हैं ठीक है, तो आपको कंसेप्ट वाइज समझना भी है और डेटा जो जो रहेगा वो डेटा आपको क्या करना है, याद करना है, एक एक चीज आपको समझने भी है, साथ ही साथ अपनी कॉपी में उतारते रहना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको डेटा ज्यादा मिलेगा, ऑथेंटिक डेटा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इनका कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि फॉर्मूला के हिसाब से इन्होंने क्या किया, अपना जो है करियर प्रारंभ किया, तो जो जो करियर प्रारंभ किया किस प्रकार से कार्य किया, कहाँ कहाँ पुस्तकालय अध्यक्ष बने, कहाँ कहाँ सेक्रेटरी बने, कौन कौन संस्थाओं की स्थापना की, तो वो इस प्रकार से आपको डेटा ज्यादा मिलेगा। तो वो डेटा क्या करना, आपको एक एक चीज आपको याद होना आवश्यक, क्योंकि हर बार एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, आ जाओ आगे साथ ही अपन बात करते हैं। देखो आगे अगर अपन बात करें मेलविल डेवी की, अगर अपन बात करते हैं तो ये डेवी साहब की अगर अपन बात करें, किसकी अपन साथी अपन बात करते हैं, जो डेवी साहब है मेलविल डेवी जो है इनकी अगर अपन बात करते हैं, कुछ ऑथेंटिक अपन बात करते हैं। देखो सबसे पहले पुस्तकालय विज्ञान के जंगम, अगर आपसे पूछा जाए ये सभी साथी मैं बात कर रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये सभी किस स्तर पर बात करें अपन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, जिसे अपन बोल सकते हैं इंटरनेशनल लेवल भी कह सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मेरे साथी अपन बात करते हैं, किसकी अपन बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपन बात करते हैं, पुस्तकालय विज्ञान के जनक, ठीक है, पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन है, मेलविल डेवी है भाई, इंटरनेशनल लेवल की अपन बात करो, या यही चीज अपन बोल सकते हैं यूएसए की भी अपन बोल सकते हैं भाई, किसके अपन बोल सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कह सकते हैं और यूएसए में भी कह सकते हैं, पुस्तकालय विज्ञान के जनक। दूसरी अगर अपन बात करें पुस्तकालय आंदोलन के जनक, ठीक है, पुस्तकालय आंदोलन के जनक अगर अपन बात करते हैं भाई, याद रह जाएगा पुस्तकालय आंदोलन के जनक, ठीक है। इसके बाद में जो है यूएसए की पुस्तकालयों की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये भी साथी किसने निभाई है, महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई है वो अगर अपन बात करते हैं, वह भी किसने निभाई है, वह भी आपके मेलविल डेवी निभाई है। इसके बाद की अगर अपन बात करें पुस्तकाल वर्गीकरण के जनक, अगर अपन बोल सकते हैं पुस्तकालय लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के जनक, या अपन बोल सकते हैं जो है पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक बोल सकते हैं भाई। तो वर्गीकरण के जनक कौन है साथी, वर्गीकरण के जनक भी कौन आपके मेलविल डेवी है। इसके बाद के साथी अगर अपन बात करते हैं ठीक है, अमेरिकन पुस्तकालयों में आंदोलन के जनक अपन बात कर ली है आपकी, ठीक है, लाइब्रेरी जो इकोनॉमिक शब्द है, जब अपन साथी अपन जो लाइब्रेरी की पहली क्लास अपन पढ़ते हैं, लाइब्रेरी की क्या करते हैं पहली क्लास पढ़ते हैं, तो वहां पर पढ़ते हैं भाई इकोनॉमिक शब्द है, ठीक है, इकोनॉमिक वर्ड की अपन बोल सकते हैं, इकोनॉमिक वर्ड का फर्स्ट या प्रथम प्रयोगकर्ता अपन बोल सकते हैं, प्रथम प्रयोगकर्ता भी कौन है, मेलविल डेवी है। एक बार इसको लिख लो, इसके बाद अपन क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। देखो यहाँ पर मेलविल डेवी की अगर साथी पर बात करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोल सकते हैं, या इसको अपन बोल सकते हैं यूएसएमए, जो बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या अमेरिका के पुस्तकालयों के लिए अपन बोल सकते हैं। यहाँ पर साथी सबसे पहले अपन बात करते हैं पुस्तकालय विज्ञान के जनक, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और यूएसए में अपन बात करें या अमेरिका की अपन बात करें, वहां पर पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहलाते हैं, पुस्तकालयों के जनक भी कहला सकते हैं, या अपन यहाँ पर बोल सकते हैं पुस्तकालयों के जनक भी कह सकते हैं। तो पुस्तकालयों के जनक, पुस्तकालय, ठीक है, पुस्तकालय के जनक, या पुस्तकालय विज्ञान के जनक, पुस्तकालय आंदोलन के जनक अपन कह सकते हैं। यूएसए के पुस्तकालयों की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, या अमेरिका के पुस्तकालयों में जो स्थापना पुस्तकालयों की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक इस प्रकार से कहलाते हैं, इन्होंने डीडीसी का जो है निर्माण किया है, विश्व की प्रथम वर्गीकरण का निर्माण करने वाले कौन है, वह भी मेलविल डेवी है। इसके बाद में जो है यहाँ पर इकोनॉमिक शब्द, जो इकोनॉमिक शब्द है, इस इकोनॉमिक शब्द का भी जो प्रयोग करता है पहला, वह कौन है, मेलविल डेवी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है इकोनॉमिक शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, मेलविल डेवी। इसके बाद में यहां पर इकोनॉमिक शब्द को हटाया 1964 में, जो पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी है उसने क्या आया, हटाया इसको, और इसके जगह नया शब्द जोड़ा, कौन सा आपका, इंफॉर्मेशन साइंस, सूचना विज्ञान शब्द जोड़ा। तो कई बार ये भी क्वेश्चन बन के आता है इकोनॉमिक शब्द की जगह है जो नया शब्द कौन सा जोड़ा है, तो वह साथी जोड़ा इंफॉर्मेशन साइंस। अपन बोलते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो लाइब्रेरी तो पहले प्रयोग हो रहा था, पहले लाइब्रेरी इकोनॉमिक प्रयोग होता था, लेकिन 1964 में जो पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी है उसने क्या कर दिया, इकोनॉमिक शब्द को हटाकर इसके जगह नया शब्द प्रयोग करना प्रारंभ किया, इंफॉर्मेशन साइंस, सूचना विज्ञान। ठीक है, जब अपन पहली क्लास अपन पढ़ते हैं लाइब्रेरी की, अपन जब कंपटीशन में अपन बात करते हैं, जो पार्ट वन क्लास है शुरुआत जब करते हैं साथी, वहां पर इस इकोनॉमिक शब्द की, लाइब्रेरी शब्द की, लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग कब होता है, वो बिल्कुल बेसिक बेसिक कंसेप्ट वाइज अपन ने पढ़ लिया, इसलिए अपन इस शब्द को ज्यादा डिस्कशन नहीं करें। एक बार साथी इसको लिख लो, इसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर आगे साथी अपन बात करते हैं, यहाँ पर इनका करियर किस प्रकार से प्रारंभ होता है, पुस्तकालयों के क्षेत्र में आते हैं, किस किस प्रकार से, किन किन संस्थाओं की स्थापना की, कहाँ कहाँ पर ये अध्यक्ष रही, कहाँ कहाँ पर सेक्रेटरी रही, एक एक के साथ ही कंसेप्ट वाइज हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं भाई इनका करियर से प्रारंभ करें, तो इनका जो करियर प्रारंभ होता है साथी वो कहाँ से प्रारंभ होता है, ये लाइब्रेरी के क्षेत्र में जो अपना करियर प्रारंभ करते हैं वो साथी 1876 की अपन बात करते हैं, 1876 की बात है, ठीक है, 1876 की बात है। लाइब्रेरियन जो बनते हैं, ये लाइब्रेरियन के पद पर क्या होती है, इनकी नियुक्ति होती है, वो कहाँ पर होती है, एमसेट कॉलेज में होती है। एमसेट जो कॉलेज, जो लाइब्रेरी है, यहाँ पर क्या बनते हैं साथी, ये लाइब्रेरियन बनते हैं। ठीक है, जिस प्रकार डॉक्टर एस आर रंगनाथन की साथी अपन जब बायोग्राफी पढ़ रहे थे, किसकी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन की साथी अपन जब बायोग्राफी पढ़ रहे थे, तो वहां पर बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट वाइज अपन ने पढ़ा था कि जो जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर्वप्रथम पुस्तकालय के क्षेत्र में करियर कब प्रारंभ करते हैं, जब मद्रास यूनिवर्सिटी में पहली बार वैकेंसी आती है, वहां पर बहाली आती है, भर्ती आती है लाइब्रेरी की, तो वहां पर वह क्या होते हैं, चयनित होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर आपकी 1876 की बात है, 1876 में यहाँ पर लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई, इन्होंने अप्लाई किया, इनका चयन हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, और पुस्तकालय के क्षेत्र में क्या करते हैं, करियर प्रारंभ करते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा। इसी के बाद में यहीं पर साथी 1876 में ही, ठीक है, सन 1876 की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, डीडीसी का क्या किया भाई, डेविड, इसका डीडीसी का पूरा नाम क्या, डेविड एसिम क्लासिक के डीडीसी का निर्माण भी किया। तो डीडीसी का जो निर्माण किया है वो भी आपके मेलविल डेवी ने कहा किया है, जो कि विश्व की प्रथम वर्गीकरण पद्धति कहलाती है। विश्व की प्रथम वर्गीकरण अपन बोल सकते हैं, या वर्ल्ड फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्कीम बोल सकते हैं, जो कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में जो है इन्होंने क्या किया भाई, सबसे मेन अगर अपन बात करते हैं, कई बार यहां से भी क्वेश्चन बन के आता है लाइब्रेरी ब्यूरो, देखो यहाँ पर ये समझना है इसको, क्योंकि मेन है। ठीक है, एक बार इसको लिख लो, अपन अगले पेज पर अपन बात करते हैं लाइब्रेरी ब्यूरो की अपन बात करते हैं। ठीक है, देखो लाइब्रेरी ब्यूरो के साथ ही अपन बात करें, यहाँ पर यहाँ से नाम आता है लाइब्रेरी ब्यूरो का नाम आता है, ये लाइब्रेरी ब्यूरो का जो है यहाँ से कई बार साथी क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इसी लाइब्रेरी को अपन बोलते हैं अमेरिकन मेट्रिक ब्यूरो भी कहते हैं, इसी को अपन क्या कहते हैं, अमेरिकन मेट्रिक ब्यूरो भी कहते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, ठीक है, दोनों प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, किसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। लाइब्रेरी ब्यूरो
अमेरिकन मैट्रिक ब्यूरो, इसकी जो स्थापना होती है, जो एस्टेब्लिश होता है ये, या स्थापना बोल सकते हैं, किस ईयर में होती है सर? ये ईयर की अगर अपन बात करें 1876 में होती है। स्थापना जो इसका किसने किया है, वो किसने किया साथी आपके, वह करने वाले हैं आपके मेलविल डेवी करने वाले हैं, ठीक है। स्थापना किसने किया है, मेलविल डेवी ने किया है। ये जो कार्य करती है, ठीक है, अगर अपन कार्य की अपन बात करते हैं तो साथ ही पुस्तकालयों को, ठीक है, पुस्तकालयों को उपकरण प्रदान करती थी, पुस्तकालयों को उपकरण प्रदान करती थी भाई, उपकरण प्रदान करती है, अभी भी करती है। क्लियर भाई, आ जाएगा। तो ये जो अगर अपन बात करें पुस्तकालयों को उपकरण प्रदान करती, अर्थात यहां पर अब इनका बोल सकते हैं कि भाई जो लाइब्रेरी है उनको साथ ही जो पुस्तकालय को क्या करती भाई, ये जो मेलविल डेवी की जो लाइब्रेरी ब्यूरो है, ये यहाँ पर कुछ इनको उपकरण यहाँ पर बेचता था, ठीक है। जैसे अपन बोल सकते हैं भाई अलमारियां हो गई, ठीक है, अलमारियां हो गई यहाँ पर, ये भी इनको बेचता था भाई। आपकी कुर्सियां चेयर हो जाती है, ठीक है, चेयर हो जाती है, आपके इंडेक्स हो जाते हैं, ये सभी जो है ना आपके अलमारियां, चेयर, इंडेक्स, कार्ड के ट्लोक हो जाते हैं, ये सभी जो है बना बना कर क्या करते भाई, मेलविल डेवी इन लाइब्रेरीज को सप्लाई करते थे, जिनसे कुछ प्रॉफिट भी कमा लेते। पुस्तकालयों के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, एक पहली संस्था की स्थापना की है, उस संस्था का नाम क्या, लाइब्रेरी ब्यूरो है। इसे ही साथी अपन क्या कहते हैं, अमेरिकन मैट्रिक ब्यूरो भी कहते हैं। ये अमेरिकन मैट्रिक ब्यूरो की अगर अपन बात करें, ये पुस्तकालयों के क्षेत्र में अमेरिका यूएसए की अगर अपन बात करें, यूएसए के जो लाइब्रेरी थे, पब्लिक लाइब्रेरी हो चाहे स्पेशल लाइब्रेरी हो, किसी प्रकार का पुस्तकालय, हर पुस्तकालयों को यहाँ पर उपकरण यहाँ पर प्रदान कर दी, जैसे अलमारी सप्लाई करना, कार्ड कैटलॉग बनाकर सप्लाई करना, एक्सटर्नल रजिस्टर सप्लाई करना, कुछ आपके पुस्तकालय संबंधित बुक्स आपके सप्लाई करना, किसी प्रकार का ले लो यहाँ से, ठीक है, जो है इंडेक्स सप्लाई करना, यहाँ पर इनको अपन बोर्ड से सेल करते थे ये। क्लियर है भाई, याद रह जाए, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है भाई। यहाँ पर इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं लाइब्रेरी ब्यूरो की, अगर साथी अपन बात करते हैं, ये उपकरण प्रदान करने वाली क्या है, एकमात्र संस्था है। आपसे पूछे विश्व की जो प्रथम उपकरण प्रदान करने वाली संस्था का नाम बताइए, तो उस संस्था का नाम क्या है, लाइब्रेरी ब्यूरो है। ये एक एग्जाम में पूछा गया है, एक एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सबसे मोस्ट है, जो कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि भाई जो लाइब्रेरी ब्यूरो कंपनी है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि लटकती हुई फाइलें, ठीक है, अगर अपन बात करते हैं आपसे पूछा जाए जो लटकती हुई फाइलें, लटकती हुई फाइल जो है वो किसने पेश की, ठीक है भाई, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, लटकती हुई फाइल। विश्व में कौन सी ऐसी कंपनी है पुस्तकालय के क्षेत्र में जिसने पुस्तकालय को लटकती हुई फाइल पेश की है, जिसके लटकती हुई फाइल का मतलब एक आपका पूरा बना दिया जिसके माध्यम से फाइल लटक रही है, उसी के माध्यम से कोई किसी पाठक को किसी प्रकार की विषय वस्तु की जानकारी चाहिए, तो इस फाइल के माध्यम से उसको ना तो उसको ले जा सकता है, ना कहीं पर रखकर उसको देख सकता है, उस लटकी हुई है वहीं पर देख कर आराम से पढ़कर वहीं पर वापस उसको छोड़ दे। तो ये लटकती हुई जो फाइल पेश की है सर्वप्रथम, ये साथ ही किसने की, ये लाइब्रेरी ब्यूरो ने सर्वप्रथम पेश की। ये भी जो है आपसे एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, और पूछा भी गया है। दूसरी अगर अपन बात करें, बात है वर्ष 1927 की, वर्ष 1927 में 1927 के साथ ही अपन बात करते हैं, मेलविल डेवी क्या करते हैं, इसको इस कंपनी को लाइब्रेरी ब्यूरो को बेच देते हैं, क्योंकि साथ ही जब जो है 1927 के आसपास जो है ना ये थोड़ा सा काम वाम करना बंद कर दिया था, इस जो लाइब्रेरी ब्यूरो की तरफ ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे थे, ठीक है, इसलिए धीरे धीरे साथी ये लॉस में जा रही थी। तो इस साथी को 1927 में जो रेमिंगटन रैंड जो अमेरिकन कंपनी है, इसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। ये रेमिंगटन रैंड अमेरिकन कंपनी पुस्तकालयों के क्षेत्र में साथी काफी प्रसिद्ध है, ठीक है, और वर्तमान समय भी काम में कर रही है। वर्तमान समय उपकरण प्रदान करना, अलमारियां प्रदान करना, कार्डेक्स पद्धति का जो निर्माण करने वाली है यूएस में, वो भी कौन है, रेमिंगटन रैंड अमेरिकन कंपनी। जो कार्डेक्स पद्धति किसके लिए प्रयोग होती है सर, कार्डेक्स पद्धति पीरियोडिकल्स के लिए प्रयोग होती है। भारत में भी कार्डेक्स पद्धति का निर्माण करने वाली अलग संस्था है। तो ये यूएसए में एक प्रसिद्ध जो है कंपनी थी पुस्तकालय के क्षेत्र में, इसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। देखो अपन बात करते हैं ईयर की, अगर अपन बात करें ईयर
1927 की अगर अपन बात करते हैं, जो लाइब्रेरी ब्यूरो है, इस लाइब्रेरी ब्यूरो को साथ ही क्या करते हैं, लाइब्रेरी ब्यूरो को अगर अपन बात करते हैं, इस लाइब्रेरी ब्यूरो क्या कर दिया, बेचा, ठीक है, बेच दिया है। ये जो बेच दिया है किसको बेच दिया, साथी मेलविल, जो है मेलविल डेवी ने किसको बेच दिया, अगर अपन बात करते हैं जो रेमिंगटन रैंड अमेरिकन कंपनी है, इसको इन्होंने क्या कर दिया साथी, बेच दिया है। तो आपसे पूछा जाए कि भाई लाइब्रेरी ब्यूरो को किस वर्ष में बेचा है, तो लाइब्रेरी ब्यूरो किस वर्ष में बेचा है, इसको कब सेल कर दिया मेलविल डेवी ने, 1927 1927 में क्या कर दिया, बेच दिया। ये इसलिए पढ़ रहे हैं साथी, हर जगह आप देखते हो, कहीं पर भी आप साथी देख लेना, लाइब्रेरी ब्यूरो से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कहाँ से बन के आ रहा है, मेलविल डेवी की बायोग्राफी से बन के आ रहा है। और आप अगर सोचते हो भाई ये सोचते आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बन के आ गया, हाई लेवल का बन के आ गया, साथी हाई लेवल का क्वेश्चन बन के नहीं आया, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन जो अपन पढ़ रहे हैं वो बेसिक कंसेप्ट से अपने पढ़ा नहीं है, क्लियर है, याद रह जाएगा। तो एक बार साथ ही इसको लिख लो, इसके बाद अपन क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से एक एक चीज को साथ ही अपन क्या करेंगे, कंसेप्ट वाइज अपन पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है, लिख लिया आपने। देखो पर आगे अपन बात करते हैं, एक साथी आपका आता है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है, तो इसके बारे में कई बार पूछा जाता है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। देखो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें स्थापना करने का इनका भी क्या रहा है, सहयोग रहा, अधिक सहयोग रहा है, ठीक है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना साथी 1876 में होती है, जो कि विश्व को क्या कहलाता है, विश्व का पहला पुस्तकालय संघ, अगर आपके सिलेबस में है तो अपन ए ले को अपन पढ़ा है। देखो विश्व का पहला पुस्तकालय संघ, वर्ल्ड फर्स्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन भी कहते हैं, तो इसकी स्थापना साथी जो है फिलाडेल्फिया शहर 1876 में क्या होती है, 6 अक्टूबर 1876 को क्या होती है, स्थापना होती है। इसमें जो सहयोग रहा है ना, मेलविल डेवी का भी सहयोग रहा है, जिसमें 103 पुस्तकालय अध्यक्षों ने इसमें भाग लिया था, उस वक्त 103 लाइब्रेरी ने भाग लिया था, जिसमें 90 पुरुष थे, 13 यहाँ पर महिलाएं थी, कुल मिलाकर 103 यहाँ पर लाइब्रेरियन थे, जिसमें इसकी स्थापना करने का इसमें सहयोग किया था, जिसमें एक मुख्यतः कौन थे भाई, मेलविल डेवी भी थे। इसके अलावा अगर अपन बात करें साथी, इसके अलावा कौन थे अपने पास, इसके अलावा जो है मेलविल डेवी के अलावा सीए कटर हो गए, जस्टिन विंसर हो गए, सभी अलग अलग विद्वान क्या थे इसमें थे, क्लियर है, याद हो जाएगा। इसके बाद में एक संस्था और आती है आपकी, जो मेलविल डेवी से यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपका बन के आता है, वह क्वेश्चन क्या बन के आता है साथी आपका, कि अमेरिकन लाइब्रेरी इंस्टीट्यूट, ठीक है, अमेरिकन लाइब्रेरी इंस्टीट्यूट। ये अमेरिकन लाइब्रेरी इंस्टीट्यूट की अगर साथी अपन बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन क्वेश्चन बन के आ चुका है, अमेरिकन लाइब्रेरी इंस्टीट्यूट। इस अमेरिकन लाइब्रेरी इंस्टीट्यूट की अगर अपन बात करते हैं, इसकी स्थापना जो होती है साथी इन द ईयर आपके 19 जो है अपन बात करते हैं 1905 में क्या होती है, इसकी स्थापना होती है, स्थापना करने वाले कौन है साथी, मेलविल डेवी है, क्लियर है, याद हो जाएगा। तो इसकी जो स्थापना करने वाले हैं, अमेरिकन लाइब्रेरी इंस्टीट्यूट की स्थापना करने वाले हैं मेरे साथी, वो स्थापना करने वाले कौन है आपकी, मेलविल डेवी है। ये भी आपके साथी क्या कर रही थी, पुस्तकालयों के क्षेत्र में अत्यधिक क्या कर रही थी, कार्य कर रही थी, क्लियर है, एक बार इसको लिख लो, इसके बाद अपन क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में साथी जो बारी आती है वो आती है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक की बारी आती है, ठीक है। ये जो स्थापना कर रहे हैं ना, जो इन्होंने अपने करियर में जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, वो उन सभी के अपन बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट वाइज अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां से अपन जो बायोग्राफी से अपन पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि भाई मेलविल डेवी के बारे में उनके माता का जो अपन बात करें, उनका नाम जान लिया, उनका जन्म वर्ष, उनकी मृत्यु वर्ष कब होती है, उनकी जो दोनों पत्नियां थी, दोनों वाइफ थी, उन दोनों वाइफ के बारे में अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़ लिया, खत्म, बात बायोग्राफी कंप्लीट हो गई, नहीं बायोग्राफी कंप्लीट नहीं हुई। ये मेलविल बायोग्राफी का मतलब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर लाइब्रेरी के क्षेत्र की अपन बात कर रहे हैं, कि इन्होंने पुस्तकालयों के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य प्रारंभ किए, कौन कौन संस्थाओं का स्थापना की, सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसमें रहा, ठीक है, कहाँ कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है, किस किस प्रकार से आता है, जो आप बार बार बात करते हो सर तो बहुत डीपली क्वेश्चन बन के आएगा, जब आपका संडे को टेस्ट होता है, ठीक है, कभी कभार एग्जाम का पैटर्न पर टेस्ट होता है,
तो आप उस समय बोलते हो सर तो बहुत डीपली आ गया क्वेश्चन। अरे मेरे साथी डीपली क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। डीपली क्वेश्चन तो जो वो है होता है आपके लिए जब आप उसको पढ़ते नहीं हो, आप जब आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो आपका ऑटोमेटिक आपके लिए क्या होता है, डीपली हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। और आपका अगर आपका साथी यही आपकी बायोग्राफी पढ़ी हुई होती, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से पढ़ी होती, तो आपके लिए डीपली होती नहीं, शरीर तो हमारा पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ बार बार आप पढ़ो, बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट से पढ़ो, किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो साथ की साथ में नोट्स बनाते रहो। क्यों? नोट्स सबसे ज्यादा जरूरी है। सफल विद्यार्थी वही होता है जो साथ की साथ में नोट्स बना रहा है। ऐसा नहीं है आप जो रात को टाइम निकाल रहे हो 11 बजे 10 बजे टाइम निकाल रहे हो और आराम से जो है बेड पर लेटकर आप क्लास को देख रहे हो। आराम से साथी देखिए बेड पर क्लास, आराम से सोते सोते हुए देखिए, लेकिन साथी ये पढ़ने का तरीका नहीं है। आप ये आराम से जब आपको रिविजन करने का मन हो, ठीक है, आपने पढ़ लिया एक बार, पढ़ लिया दो बार, पढ़ लिया एक बार, अपन क्या करते हैं भाई लेटा हुआ हूँ सोऊंगा तो एक बार क्लास देख लेता हूँ, तो वो रिविजन के माध्यम से हो सकती है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो क्लास को, तो साथी पेन और कॉपी लेकर बैठिए, एक एक चीज को साथ में जो कंसेप्ट वाइज आपको लिखवाया जा रहा है ना, उसको एक एक चीज कंसेप्ट वाइज आप लिखते रहिए, एक एक चीज क्या करते रहिए कंसेप्ट वाइज लिखते रहिए, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। जब आप साथी मंजिल की जो अपनी मंजिल है वो क्या है, लाइब्रेरियन बनना है, पुस्तकालय अध्यक्ष बनना है, ये मेरे साथी जो मंजिल की तरफ जो आप संघर्ष कर रहे हो, जो रात दिन मेहनत कर रहे हो, उस रात दिन मेहनत या संघर्ष करें उसमें जो बाधाएं आने वाली है, कुछ प्रॉब्लम्स होगी, कहीं पर भी आपको दिक्कत होती है, तो वहां पर आपको जो दिक्कतें उससे जो निकालने वाला है, उन दिक्कतों से बाहर आपको निकालने वाला है वो रहेंगे आपके नोट्स, ठीक है। ये कभी आपको रिवीजन करने का समय मिले तो रिवीजन किसके माध्यम से करोगे, इसके माध्यम से करोगे, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से नहीं, आप नोट्स के माध्यम से करोगे। इसलिए बोलता हूँ अभी पढ़ लो, आप अभी सिर झुकाकर पढ़ लो इन किताबों को, एक दिन साथ ही देखना आपके सामने सिर झुकावे मिलेंगे, आपको सिर झुके हुए मिलेंगे जो आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, जो आपको अभी बोलते हैं कि भाई कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है भाई, तो वो साथी अभी आप सिर झुकाकर पढ़ लोगे इन किताबों को, तो एक दिन वही सिर आपके लिए सिर झुके हुए मिलेंगे कि भाई आओ भाई, ठीक है मिलो आप, ठीक है, आपसे समय की मांग करेगी भाई आपसे मिलना है। लेकिन ये जो वक्त लाने के लिए, ये समय लाने के लिए इस प्रकार का आपको मेहनत करनी होगी, आपको संघर्ष करना होगा कि भाई हमें जो बोलते हैं जो आस पड़ोस के जो व्यक्ति हैं मेरे साथी हैं जो बोलते हैं कि भाई कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो ऐसे नेगेटिविटी उनका काम ही ऐसा ही है, ठीक है, उनका काम ही ऐसा है, नेगेटिविटी फैलाएंगे आपको बोलेंगे, लेकिन साथी अपने संघर्ष अपने लक्ष्य से अपन को डगमगाना नहीं है, अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, अपना उद्देश्य क्या है, अपना साथी उद्देश्य ये मेरे दोस्त अपना लक्ष्य क्या है, लाइब्रेरियन बनना है, पुस्तकालय अध्यक्ष बनना है, ठीक है। और जैसे ही साथी पुस्तकालय अध्यक्ष बन जाऊंगे, वही व्यक्ति वही जो आपको नेगेटिविटी करते हैं साथी, एक दिन देखना आपकी फिर वो कॉपी करते हुए मिलेंगे, वही क्या मिलेंगे आपको, आपकी कॉपी करते हुए मिलेंगे, क्लियर है, आ जाओ। इसके बाद में साथी अपन बात करते हैं, यहाँ पर देखो अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पर साथी अपन बात करें स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक की, अपन बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण है, यहां से भी कई बार क्वेश्चन बन के आता है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, ठीक है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, इसे अपन क्या कहते हैं भाई, दुनिया का पहला विद्यालय पुस्तकालय कहते हैं, ठीक है, अपन बोल सकते हैं दुनिया का, ठीक है, दुनिया का पहला विद्यालय पुस्तकालय बोलते हैं भाई, दुनिया का पहला विद्यालय पुस्तकालय कहते हैं, या क्या कहते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट स्कूल लाइब्रेरी कहते हैं भाई, कहते हैं नहीं कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वर्ल्ड फर्स्ट स्कूल लाइब्रेरी। तो साथी आपसे पूछा जाए, क्या पूछे, वर्ल्ड फर्स्ट स्कूल लाइब्रेरी आपसे पूछे, वर्ल्ड फर्स्ट स्कूल लाइब्रेरी आपसे पूछे, तो वर्ल्ड फर्स्ट स्कूल लाइब्रेरी की अगर साथी अपन बात करते हैं तो ये कौन सी है भाई, देखो यहाँ पर जैसे भारत में सर्वप्रथम जो पुस्तकालय प्रशिक्षण प्रारंभ होता है वो साथी कहाँ से होता है, बड़ौदा राज्य में होता है। उसी प्रकार आपके ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर अपन बात करें, ऑल ओवर दुनिया की अपन बात करते हैं, सर्वप्रथम जो पुस्तकालय के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रारंभ होता है एक सिस्टमेटिक तरीके से, वो साथी कहाँ से प्रारंभ होता है, वह आपका जो है आपकी यूएसए से प्रारंभ होता है, जिसे अपन कहते हैं दुनिया का पहला विद्यालय पुस्तकालय बोल सकते हैं, या जिसका नाम क्या, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। अब देखो इसकी स्थापना किस प्रकार से होती है, मेलविल डेविस साथी 1876 के बाद में इन्होंने लगभग 1880 के पास 80 तक इन्होंने इतना कार्य किया पुस्तकालय के क्षेत्र में, लगभग यूएसए में हर जगह साथ इनका नाम हो गया,
नाम हो गया। आप संघर्ष इस प्रकार से करो साथी, आप जो है फल की इच्छा मत करो कि भाई जो मैं संघर्ष कर रहा हूं, ये मेहनत कर रहा हूं, इसका फल क्या मिलेगा। साथी इसका फल आपकी सफलता इसकी निश्चित है। सफलता क्या है? निश्चित है। आप फल, आप संघर्ष कर रहे नहीं हो, आपने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की और अभी से आप सपने संजोने लगे, तो साथी जो है ना ऐसा जो आपका सपना नहीं है, ये तो आप अपने आप को क्या कर रहे हो, ये भाई अपने आप को तसल्ली दे रहे हो। आप संघर्ष करो भाई, सफलता साथी आपको जरूर चुमेगी, कदम चुमेगी एक ना एक दिन और बोलेगी ये मंजिल के मुसाफिर बोल क्या चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन्होंने क्या 1876 में इन्होंने मेलविल डेवी ने अपना कार्य प्रारंभ किया पुस्तकालयों के क्षेत्र में। धीरे धीरे अब ये प्रसिद्ध हो गए, फेमस हो जाते हैं। 1880 तक आते आते इनको लगभग हर कॉलेज यहाँ पर अपने जो है अपनी लाइब्रेरी में लाइब्रेरी के पद पर यहाँ पर नियुक्त करना चाहती थी। इसके बाद में साथी जो अपन बात करें 1883 की बात है, कब की बात है, एक कोलंबिया कॉलेज है। कौन सी है भाई? कोलंबिया कॉलेज। इस कोलंबिया कॉलेज की साथी अपन बात करते हैं भाई, जो कि वर्तमान में तो क्या है, ये आपकी यूनिवर्सिटी है, जो कि साथी कहां पर पढ़ती है आपकी, ये कोलंबिया जो कॉलेज है आपके यूएसए में पढ़ती है। इनके साथी अपन बात करते हैं, ये कोलंबिया कॉलेज है, यहां पर इन्होंने क्या किया भाई, जो मेलविल डेवी है, इन मेलविल डेवी को भाई क्या कर दिया, यहां पर लाइब्रेरी बना दिया इस कोलंबिया कॉलेज की लाइब्रेरी में। ये जो लाइब्रेरी इनको बनाया है, ये लाइब्रेरी साथी कब बनाया है, ये लाइब्रेरी बना दिया 1883 से लेकर 1888 तक, ये यहाँ पर क्या करते हैं लाइब्रेरियन रहते हैं। कब से कब तक रहते हैं, जो मेलविल डेवी साथी यहाँ पर जो लाइब्रेरियन रहते हैं 1883 से लेकर 1888 तक क्या रहते हैं, यहाँ पर लाइब्रेरियन रहते हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष रहते हैं। कर दिया नियुक्त। अब यहाँ पर साथी नियुक्त करने के बाद में भाई कुछ ना कुछ कार्य तो करना ही है। होता क्या है साथी, 5 जून की बात है, कब की बात, सॉरी 5 मई की बात है, ठीक है, बात कब की बात है भाई, कहा जाता है भाई, ठीक है, बात है 5 मई 1884 की बात है। 5 मई 1884 साथी एक मीटिंग होती है, मीटिंग कहां पर होती है, ये मीटिंग होती है कोलंबिया कॉलेज की जो लाइब्रेरी है वहां पर मीटिंग होती है। यहां पर साथी मेलविल डेवी ने क्या कहा, एक प्रस्ताव रखा, यहाँ पर क्या रखा है साथी आपकी, एक प्रस्ताव रखा कि हमें यहाँ पर कोलंबिया कॉलेज में एक स्कूल लाइब्रेरी की स्थापना की जानी चाहिए, ठीक है, जो एक विद्यालय पुस्तकालय के क्षेत्र में, पुस्तकालय के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करे, प्रशिक्षण प्रदान करे, ट्रेनिंग प्रदान करे, और ट्रेनिंग प्रदान करने के बाद में छात्रों को यहाँ पर एक सर्टिफिकेट दे, जिसके माध्यम से उस सर्टिफिकेट के माध्यम साथी कहीं पर भी जाकर वह छात्र अपना एक प्रोफेशनल करियर के रूप में, प्रोफेशनल के क्षेत्र में या लाइब्रेरी प्रोफेशन के क्षेत्र में अपना करियर प्रारंभ कर सके, किसी भी लाइब्रेरी में जाकर लाइब्रेरियन बन सके। अपन यहाँ पर इस प्रकार से ट्रेनिंग देंगे जिसके माध्यम से उसको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इन्होंने क्या रखा, 5 मई 1884 को इन्होंने इस सम्मेलन में एक मीटिंग हुई थी, मीटिंग में रखा। लेकिन साथी ये जो मीटिंग में यहां पर जो विद्यालय पुस्तकालय की स्थापना करने की बात करें, किसकी अपन बात करें, जो विद्यालय पुस्तकालय की स्थापना करने की बात करें, यहां पर इनका जो स्थापना जो प्रस्ताव था, ये प्रस्ताव क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, ठीक है। इन्होंने फिर भी साथी क्या नहीं मानी, हार नहीं मानी, और जो साथी हार नहीं मानता ना वही साथी सफलता पाता है। आप जो है अपन बात करें कई स्टूडेंट्स की, तो यह है कि एक बार असफल हो गए उसके बाद में ये सोचते हैं कि अपना पड़ोसी क्या बोलेगा, ताऊ क्या बोलेगा, फूफा क्या बोलेगा कि मैं तो फेल हो गया, ठीक है, अब पता नहीं क्या बोलेंगे, तो ये सोचते हैं। अगर साथी आप जो है ना आस पड़ोस वाले की सोचो मत, क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, जिस दिन आप लग जाओगे ना उस दिन बोलेंगे मैं बोलता था ये तो नौकरी लगेगा 100% है, मैं बोलता था इसके तो भाग्य में सरकारी नौकरी है, ठीक है। तो उनकी जो है ना वो अपन बोलते हैं ना बिना पंदे का लोटा, इधर होके इधर, इधर होके इधर, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बिल्कुल बेसिक से आपको चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। एक बार साथी इसको लिख लो, इसके बाद अपन क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक बार इसको लिख लो, इसके बाद अपन क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आपने, क्लास को एक एक चीज को आते कंसेप्ट वाइज वीडियो को पोस्ट करके एक एक चीज को लिखते रहूं, क्योंकि ये मेलविल डेवी की बायोग्राफी साथी में आपको लाइव क्लास के माध्यम से करवा रहा, ठीक है, ये जो बायोग्राफी अपन साथी अपन कर रहे थे, ये बायोग्राफी आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से करवा रहा था, कुछ तबियत के कारण ये लाइव क्लासेस के माध्यम से नहीं करवाया, इसलिए रिकॉर्ड करके क्लास आपकी अपलोड कर रहा हूं। अब हो रही क्या है, होता क्या है, 5 की अपन बात करते हैं, फिर उसके बाद में साथी एक कन्वेंशन होता है 5 जनवरी, कब की बात है भाई, 5 जनवरी 1887
सबसे महत्वपूर्ण डेट है, इसको याद कर लेना ठीक है। पिछली वाली याद ना हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। 5 जनवरी 1887 की हम बात करते हैं ठीक है। यहाँ पर फिर साथी आपकी जो कोलंबिया कॉलेज है, इस कोलंबिया कॉलेज ये वर्तमान में क्या हो गई है, यूनिवर्सिटी हो गई है। इस कोलंबिया कॉलेज की अगर साथी अपन बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, कन्वेंशन होता है, सम्मेलन होता है, फिर यहाँ पर साथी कई विद्वानों ने क्या लिया, भाग लिया ठीक है। इसमें फिर यहाँ पर आपके दुनिया का पहला पुस्तकालय या विद्यालय पुस्तकालय की स्थापना करने का यहाँ पर जो है मंथन किया जाता है, निर्णय लिया जाता है। और 5 जनवरी 1887 को आपके यहाँ पर विद्यालय पुस्तकालय की स्थापना होती है कोलंबिया कॉलेज में, जो कि दुनिया का पहला पुस्तकालय कहलाता है। तो यहाँ से साथ ही आपके दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। कितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बनता है कि भाई स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना करने का प्रथम जो प्रयास कब किया गया, तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी का जो है प्रथम जो प्रयास है वो स्थापना करने का प्रथम प्रयास कब किया साथी, 5 मई 1884 को। ये क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद 5 जनवरी 1887 को फिर दूसरा यहां पर प्रयास किया जाता है। दूसरा प्रयास में क्या होता है साथी, आपकी स्थापना होती है। तो यहां पर अपन बोलते हैं भाई, कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर 5 जनवरी 1887 क्या होती है, 1887 में जो है वर्ल्ड फर्स्ट स्कूल लाइब्रेरी ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट स्कूल लाइब्रेरी, दुनिया का पहला पुस्तकालय क्या होती है भाई, स्कूल लाइब्रेरी क्या होती है, स्थापना होती है, जिसका नाम क्या है भाई, क्या होता भाई इसका नाम क्या है, इसका साथी जो नाम है अगर अपन बात करें, जो किस नाम से स्थापना होती है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, किस नाम से स्थापना होती है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक, साथी क्या होती है, इसकी स्थापना हो जाती है। क्लियर है, यहाँ पर क्या हो गया भाई सर जी, इसकी स्थापना यहाँ पर हो जाती है। किसकी स्थापना होती है, स्कूल लाइब्रेरी ऑफ इकोनॉमी, यहाँ पर ऑफ की लगा लेना ठीक है, हो गई। अगर आपसे पूछा जाए भाई किसके परिसर में स्थापना होती है, ये भी कई बार स्थापना आपसे पूछा जाए कि स्कूल लाइब्रेरी ऑफ इकोनॉमी की स्थापना कहाँ पर होती है, किसके परिसर में, तो साथ ही ये कोलंबिया कॉलेज के परिसर में क्या होती है, स्थापना होती है। कोलंबिया कॉलेज के परिसर में स्थापना होती है, इसके परिसर में स्थापना होगी जो कि कहाँ पर पड़ती है, यूएसए में पड़ती है। इसकी स्थापना कहाँ पर होती है, यूएसए में क्या होती है, स्थापना हो जाती है। जैसे ही स्थापना होती है, दुनिया का पहला विद्यालय पुस्तकालय कहलाता है, स्थापना कहाँ पर होती है, यूएसए में। तो आपसे पूछा जाए कि भाई सबसे पहले पुस्तकालय का प्रशिक्षण कहाँ पर प्रारंभ होता है, तो वह कहाँ पर होता है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, ये आपको मिलेगा कोलंबिया कॉलेज में। क्लियर है, स्थापना हो जाती है। स्थापना होने के बाद अब भाई स्थापना हुई है, स्थापना साथ ही यहाँ पर क्यों होती है, इसकी स्थापना होने का उद्देश्य था कि यहाँ पर एक बेच आपका प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाए। जिस प्रकार से आप साथी अपन बात करते हैं कि आप लाइब्रेरी का डिप्लोमा करते हो या बीएलएस करते हो, डिप्लोमा आप 12th बेस पर करते हो ठीक है, ये अपन बात करते हैं। बैचलर डिग्री की अगर अपन बात करें तो बैचलर डिग्री कब करते हो आप, बैचलर डिग्री की अगर साथ ही अपन बात करते हैं तो अब अपना जो है बीए करने के बाद में, बीकॉम करने के बाद में, या अपन बोर्ड से ग्रेजुएशन करने के बाद में आप बैचलर डिग्री करते हो लाइब्रेरी में, उसी प्रकार ये क्या करता है, यहाँ पर एक सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रदान करता, डिप्लोमा प्रदान करता कर रहा था अलग अलग जो है ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या किया भाई, इसका पहला बेच बनता है, यहाँ पर क्या बनता है, अब देखो यहाँ से मतभेद स्टार्ट होगा ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा साथी, मेलविल डेवी और जो आपका कोलंबिया कॉलेज के मध्य क्या होगा, मतभेद होगा। मतभेद किस प्रकार से होता है उसकी भी बात करते हैं। यहाँ पर साथी क्या होता है, इसका फर्स्ट बेच बनता है ठीक है, फर्स्ट बेच बनता है, जिसके इसके बेच बनने का इसका अध्यक्ष अध्यक्ष सब जो है ना मेलविल डेवी को बना दिया, फाइनेंशियल सब कुछ। इसने क्या किया, मेलविल डेवी को जो है ना फर्स्ट बेच बनता है। इस फर्स्ट बेच में जो है आपकी स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी यहाँ पर 20 विद्यार्थियों को एडमिशन दिया ठीक है। कितने विद्यार्थियों, कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पर एडमिशन दिया, तो यहाँ पर जो एडमिशन दिया है साथी, वो एडमिशन जो दिया है यहाँ पर आपके 20 स्टूडेंट्स को क्या कर दिया, यहाँ पर एडमिशन दे दिया। एडमिशन देने में कोई दिक्कत नहीं थी भाई, यहाँ पर एडमिशन देने के बाद में साथी इसमें एडमिशन दिया जो यहाँ पर 17 तो यहाँ पर क्या है, गर्ल्स है ठीक है, और भाई 3 जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपन बोल सकते हैं बॉयज, इनको यहाँ पर क्या करता है, एडमिशन देते हैं। कौन देते हैं भाई, मेलविल डेविड देते हैं, क्योंकि इन्हीं के प्रयास से स्थापना होती है, तो इन्हीं को क्या करते हैं, इनका अध्यक्ष इसका प्रेसिडेंट बनाया गया था। और इन्होंने क्या किया था भाई, बेच में जो भी विद्यार्थियों का जो स्टूडेंट्स को 20 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया है, मेलविल डेविड ने सिलेक्शन किया है। तो इसमें आपके इन्होंने सिलेक्शन जो किया है 17 गर्ल्स और 3 बॉयज का।
जैसे ही एडमिशन प्रारंभ होता है, साथी मेल जो कोलंबिया कॉलेज है और मेलविल देवी के मध्य मतभेद प्रारंभ हो जाता है। कोलंबिया कॉलेज का तर्क यहाँ पर है कि आप जो है गर्ल्स को एडमिशन दो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो 50-50 का रेशियो रखो कि भाई 10 आप गर्ल्स को इस बीच में एडमिशन दे दो, या 10 जो क्या कर दो आप बॉयज को दे दो, ठीक है भाई। या जो है यहाँ पर जो है आप जो है रेशियो कम रख सकते हो यहाँ पर, लेकिन जो है आपको इस तरह आप जो 17 गर्ल्स को एडमिशन दे रहे हो, ये कोई तर्क समझ में नहीं आया, ठीक है। तो एक बार स्वाति यहाँ पर मतभेद होने के बाद में क्या किया कोलंबिया कॉलेज ने, क्या किया यहाँ पर एक भाई मेलविल डेवी को भाई धमकी भी दे दी कि भाई स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी है जो स्थापना की है, ये हम क्या करेंगे, उसको बंद करेंगे, ठीक है, बंद करेंगे। ये बेच साथ क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। और सन 1888 की बात है, कब की बात है, 1888 की बात है, जो आपके मेलविल डेवी कब तक, कहाँ कब से कब तक रहते हैं यहाँ पर लाइब्रेरी, 1888 तक। तो 1888 में जो भाई जो कोलंबिया कॉलेज के लाइब्रेरियन थे, पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे, इनको यहाँ से इस पद से क्या कर दिया भाई, यहाँ पर हटा दिया इनको कि भाई आपके अब यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, ठीक है, 1888 में हटा दिया। उसके बाद में ये बेच तो क्या होता है आपका, चलता है यहाँ पर 2 साल तक चलता रहा बेच, आपके 1 साल तक चलता है। उसके बाद में जो है सेकेंड जो न्यू ईयर आता है उसके बाद में एडमिशन यहाँ पर मिलता है। तो 1888 में क्या करके भाई मेलविल डे भी यहाँ पर लगभग फिर आपके 20 सीट निकले, 20 की 20 यहाँ पर गर्ल्स को एडमिशन दे दिया, फिर जैदातुल पकड़ लिया, तो यहाँ पर मेलविल डे को लाइब्रेरियन के पद से हटा दिया। बात अब होती है फिर भाई जो कोलंबिया कॉलेज ने स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया है तो उनको तो क्या करनी है, ट्रेनिंग शिक्षा प्रदान करनी, यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट जो भी डिग्री वो देनी है। इसके बाद में 1889 में क्या किया भाई, कोलंबिया कॉलेज ने ऐलान कर दिया कि भाई हम इसको क्या करेंगे, बंद करेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद में जो मेलविल डेवी ने क्या किया भाई, बंद करोगे आप, ये मैंने स्थापना की दुनिया का पहला पुस्तकालय है, ठीक है, और इसमें जो पुस्तकालयों के लिए कार्य करो भाई, इसको क्या करूंगा, इस पुस्तकालय जो मैंने इस संस्था की स्थापना की, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, ठीक है, यहाँ पर देखो एक शब्द भी आ रहा है इकोनॉमिक शब्द, तो इकोनॉमिक शब्द ये पहले उस वक्त लाइब्रेरी पुस्तकालयों के लिए प्रयोग किया जाता, तो यहाँ पर इसको क्या कर दिया, इसका ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरण कर दिया, इसका क्या कर देते हैं भाई, ये स्थानांतरण कर देते हैं। तो एक बार साथ ही इसको लिख लो, उसके बाद अपन क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर आगे साथ ही अपन बात करते हैं, यहाँ पर देखो इसका जो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी है इसका साथ ही क्या होता है, अगर अपन बात करते हैं स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, ठीक है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक के साथ ही अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर साथ ही इसका क्या होता है, ट्रांसफर भी होता है, इसका क्या होता है, ट्रांसफर भी होता है। ट्रांसफर जो होता है 1889 को, 1889 को ट्रांसफर होकर ये साथी कहाँ पर चली जाती है आपकी, न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी, कौन सी भाई कहाँ पर चली जाती है सर, ये न्यूयॉर्क जो स्टेट लाइब्रेरी है यहाँ पर साथी न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी में जो इसको स्थानांतरण कर देते हैं, ठीक है। ये न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी में साथी यहाँ पर क्या थे भाई, जो इनका पहला बेच बना था उस पहले बेच में इनका एक छात्र था जॉन काटन डाना, जो पहले बेस ही थी जो 1887 में जो पहला बेस बनता है 20 स्टूडेंट्स का, उसमें कौन थे भाई, जॉन काटन डाना, एक जो जिन्होंने आपके साथ ही जो न्यूयॉर्क आपके जो है आपके चार्जिंग पद्धति का निर्माण किया है, जो आपके इश्यू रिटर्न सेक्शन में काम आती है, सन 1900 में निर्माण किया था, तो वो व्यक्ति आपके पहले बेस से ही थी। एक जो अपन पढ़ते हैं मिस निनाई ब्राउनी, ठीक है, जो ब्राउनी पद्धति पर पढ़ते हैं, तो ब्राउनी पद्धति का निर्माण करने वाली कौन है, मिस निनाई ब्राउनी, जो कि बोस्टन लाइब्रेरी के लिए निर्माण किया है, तो भाई उसका वो भी किस बेच से थी, जो आपका स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी है इसका जो पहला बेच बनता है वो भी उसी बेच की थी। तो यहाँ से उनहार छात्र निकले भाई, पढ़ने वाले छात्र थे इन्होंने, जैसे कई ऐसे स्टूडेंट्स है जैसे अपन बात करेंगे अगर अपन आगे जब यूजीसी नेट के अपन पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से, तो वहां पर जो 20 के 20 स्टूडेंट्स है ना, इन्होंने साथ ही लाइब्रेरी के क्षेत्र में अच्छे अच्छे कार्य प्रारंभ किए हैं, जो 2-3 बजे शुरुआत के निकले ना, इन्होंने अच्छा अच्छा नाम किया है। आपकी अगर अपन बात करें इफला में भी यहाँ पर स्थापना करने में निर्णय लिया है, इस भूमिका निभाई है, जो ए लेके कुछ अध्यक्ष भी बनते हैं, पर आगे पर बिल्कुल ज्यादा अपन पढ़ेंगे जब अपन यूजीसी नेट में अपन इसकी बायोग्राफी और पढ़ते हैं, ज्यादा अपन डीपली पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी में क्या होता है, इसका स्थानांतरण हो जाता है, फिर साथ ही इसका जो है ना, यहाँ से न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी से अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर लगे मेलविल डेवी, इसके बाद में क्या होता है साथ ही 1926 की अपन बात करें, 1926 में जो है यहाँ पर न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी से वापस इसका क्या होता है, ट्रांसफर होता है, और ट्रांसफर होने के बाद में ये वापस कहाँ पर रहती है, कोलंबिया कॉलेज में रहती है, जो वर्तमान समय तक क्या है यहीं पर क्या है, संचालित है,
है, याद रह जाएगा। तो अगर अपन बात करें, ये जो है आपके 1889 से लेकर 1925 या 26 तक की अपन बात करें, आपके न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी में संचालित थी। यहीं पर आपके पुस्तकालय को प्रशिक्षण दिया जाने लगा मेलविल डेवी के द्वारा। बाद में कोलंबिया कॉलेज ने मेलविल डेवी से माफी मांगी, एक रिटर्न में यहाँ पर भी भेजा माफीनामा। और उसके बाद में क्या होता है, वापस का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। 1926 के आसपास मेलविल डेवी का समय भी आ गया था, क्योंकि मृत्यु 1931 में हो जाती है। तो वापिस जो साथी ये कोलंबिया कॉलेज में यहाँ पर आ जाती है, वर्तमान समय तक क्या हो रहा है, संचालित हो रहा है। तो ये साथी अपना क्या था, दुनिया का पहला पुस्तकालय जो मेलविल डेवी के द्वारा स्थापना किया गया था। इसके बाद में इसके नाम से बहुत से, अगर अपन बात करें, जब यूजीसी नेट पर अपन पढ़ेंगे, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी अलग से अपन पढ़ेंगे, तब इसके बारे में अपन भी मान के चलो 2 से 3 क्लास में आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन बन के आते हैं। इसके नाम से कौन कौन से अवार्ड प्रदान किए हैं, किस प्रकार से वर्तमान में कार्य कर रही है, क्या क्या करती है, एक एक चीज अपन कंसेप्ट वाइज अपन पढ़ेंगे, किस किस प्रकार किसने कोर्स प्रारंभ किए, कौन कौन छात्र यहाँ पर सबसे अधिक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, बिल्कुल अपन आगे अपन पढ़ेंगे। इतना अपना जो अपन पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिशन का एग्जाम का, जैसे डी ट्रिपल एस भी हो, एनईवीएस हो, केवीएस, उतना ज्यादा डीपली नहीं आएगा, अपन एग्जाम के लेवल के अपन अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक बार साथी इसको लिख लो, इसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और साथी बिल्कुल कंसेप्ट वाइज है ना, एक एक चीज को साथी आप लिखते रहो, क्योंकि एग्जाम के व्यू पॉइंट से आपके कई बार यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आगे आ जाओ, अब यहां पर साथी अपन बात करते हैं, एक अपन बात करते हैं, देखो यहां पर लाइब्रेरी जर्नल, ठीक है भाई। ये लाइब्रेरी जर्नल के साथ अगर अपन बात करें, ठीक है, पुस्तकालयों अगर अपन बात करें लाइब्रेरी के क्षेत्र में, पुस्तकालयों के क्षेत्र की अगर अपन बात करें, दुनिया की पहली पुस्तकालय पत्रिका अपन कह सकते हैं भाई, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि दुनिया की पहली पुस्तकालय पत्रिका का नाम बताइए भाई, ठीक है, दुनिया की पहली पुस्तकालय की पत्रिका का नाम बताइए। सर क्या नाम रहेगा आपका, लाइब्रेरी जर्नल रहेगा। इस लाइब्रेरी जर्नल की अगर अपन बात करते हैं साथी, ये 1876 में यहाँ पर 1876 में आती है। इसका जो प्रकाशन जो है, अगर अपन बात करते हैं प्रकाशन, अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी लाइब्रेरी जर्नल जो है इसका प्रकाशन वर्ष बताइए, तो साथ ही इसका जो प्रकाशन वर्ष अगर आपसे पूछा जाता है तो वह कब आता है, आपका 1876 में आता है। क्लियर, याद रहेगा। ये प्रकाशन प्रारंभ करने वाले कौन है, आपकी मेलविल डेवी है भाई, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, दुनिया का पहला आपके पुस्तकालय पत्रिका प्रकाशन में करने वाले हैं लाइब्रेरी जर्नल के। ये जो प्रकाशन हो रही है, अगर आपसे पूछे कहां से इसका प्रकाशन प्रारंभ होता है, ठीक है भाई, कहां से इसका प्रकाशन प्रारंभ होता है साथी, तो ये कहां से होता है, आपके बोस्टन लाइब्रेरी से होता है। कौन सी लाइब्रेरी से साथी, आपके बोस्टन लाइब्रेरी से होता है। जो कि आपसे पूछा जाता है भाई, आपके जो आदान प्रदान पद्धति ब्राउनी पद्धति का निर्माण भी किस लाइब्रेरी के लिए निर्माण किया गया था, तो वो भी साथी कौन सी थी, आपकी बोस्टन लाइब्रेरी थी। उसी प्रकार अपन बात करते हैं जो लाइब्रेरी जर्नल है, इसका भी साथी जो निर्माण किया गया है वो किसके लिए किया गया है, आपकी बोस्टन लाइब्रेरी जर्नल का जो प्रकाशन होता है वो कहां से होता है, बोस्टन लाइब्रेरी से होता है। ये साथी इसके जो अंक है ना, अगर फ्रीक्वेंसी की अगर अपन बात करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऐसा नहीं है कि इसको वीकली जो प्रकाशन किया जाएगा या मंथली किया जाएगा, इसका इन्होंने डिसाइड कर दिया था कि भाई एक वर्ष में, ठीक है, अगर अपन बात करें, इन्होंने बोला कि भाई एक वर्ष में इसके अपन हम जो है इस पत्रिका के, इस पीरियोडिकल के 20 अंक क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे, ठीक है। तो इसके अपन फ्रीक्वेंसी अगर आपसे पूछा जाए, अभी तक ऐसा क्वेश्चन बनके नहीं आया, ऐसा क्वेश्चन बनके नहीं आया कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इनकी फ्रीक्वेंसी जो है इसकी निश्चित नहीं थी। इन्होंने क्या कहा कि भाई हम जो है एक वर्ष में जो है इस लाइब्रेरी जर्नल जो पीरियोडिकल है इसका एक वर्ष में 20 अंक पब्लिश करेंगे, ठीक है। तो ये साथ इसकी क्या थी, फ्रीक्वेंसी थी, जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपसे पूछे कि भाई लाइब्रेरी जर्नल का जो प्रकाशन है, मेलविल डेवी ने, की अगर अपन बात करें, आपसे पूछा जाए कि मेलविल डेवी ने जो है ने किसके साथ मिलकर इसका प्रकाशन किया। तो अगर आपसे पूछा है सहयोग किसका लिया, इन्होंने साथ सहयोग किसका लिया है, फ्रेडरिक लियोपोल्ड का,
किसका लिया है साथी, फ्रेडरिक लियोपोल्ड का क्या लिया है इन्होंने, सहयोग लिया। तो ये भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये फ्रेडरिक लियोपोल्ड साथी यूएसए में पहले से ही एक पत्र पब्लिक एक पीरियोडिकल का प्रकाशन कर रहे थे। ये फ्रेडरिक लियोपोल्ड जो पीरियोडिकल का जो प्रकाशन कर रहे थे, पब्लिश कर रहे थे, एक बिजनेस से संबंधित पीरियोडिकल का प्रकाशन कर रहे थे। मेलविल डेवी को 1800 में पुस्तकालय के क्षेत्र में नए नए आए थे, तो इन्होंने क्या किया, इनका सहयोग लिया है कि भाई पीरियोडिकल का प्रकाशन करना है, ठीक है। और ये जो पीरियोडिकल अगर आपसे पूछा जाए, अमेरिका के पुस्तकालय में किस पत्रिका ने अहम भूमिका निभाई आपके पुस्तकालयों के विकास के लिए, पुस्तकालयों के आंदोलन में, यहां से भी कई बार क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है। अमेरिका के यूएसए के पुस्तकालयों में अहम भूमिका निभाने वाली, आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली का पत्रिका का नाम क्या है, तो वो भी साथ में कौन सी है, लाइब्रेरी जर्नल है। तो यहाँ पर लिखना कि यूएसए के पुस्तकालयों के आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली पत्रिका का नाम है लाइब्रेरी जर्नल, ठीक है। और ये किसके सहयोग से, आपके फ्रेडरिक लियोपोल्ड के सहयोग से क्या होती है, इसकी स्थापना जो है इसको प्रकाशन करते हैं। एक बार साथ ही इसको लिख लो, इसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, एक जिसको साथ ही कंसेप्ट वाइज लिखते रहो, जो बिल्कुल एग्जाम के व्यू पॉइंट से क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब साथ ही अगर अपन बात करते हैं कुछ और बेसिक से, अपन बात करते हैं इनके बारे में, ठीक है। 1901 से 6 तक अपन बात करते हैं, ठीक है। ये कुछ अपन बात करते हैं, मेलविल डेवी 1901 से लेकर 1906 तक, ठीक है, ये डायरेक्टर बनते हैं। और डायरेक्टर किसके बनते हैं साथी, जो आपके न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी है, न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी है, वहां पर क्या बनते हैं भाई साथी, ये डायरेक्टर बनते हैं। अब भाई जहां पर जाएंगे भाई कुछ ना कुछ तो करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1889 में जो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी है वहां पर स्थानांतरण किया न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी में, तो यहाँ पर डायरेक्टर बनते हैं। 1901 से लेकर 1906 तक क्या बनते हैं, डायरेक्टर बनते हैं। क्लियर है, याद रह जाएगा। इसके बाद के साथ ही अपन बात करें 1880 से लेकर आपके 1900 तक अपन बात करें, जो न्यूयॉर्क लाइब्रेरी है इसके सेक्रेटरी बनते हैं। अगर साथ ही अपन बात करें 1880 से लेकर आपकी 1900 तक की अगर अपन बात करते हैं, यही जो आपके न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी है इसी के क्या बन गए भाई, इनको जाते ही क्या कर दिया था भाई, इनको सेक्रेटरी बना दिया था, न्यूयॉर्क जो स्टेट लाइब्रेरी है, ठीक है, न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी है, यहाँ पर साथ ही इनको क्या बनाया जाता है, सेक्रेटरी, या अपन बोल सकते हैं सचिव भी इनको बनाया जाता है, ठीक है। तो इनको सचिव बनाया गया है आपके 1880 से लेकर 1900 तक, साथ ही इनको क्या कर दिया, सचिव बना दिया। 1876 अपन बात करें 76 से लेकर 90 तक, ठीक है, 1876 से लेकर आपकी अगर अपन बात करें 1890 तक की अपन बात करते हैं, तो 1890 तक क्या बनते हैं साथी, ये ALA है, इस ALA क्या बनते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं भाई, क्या बनते हैं आपके साथी, सेक्रेटरी बनते हैं। तो सेक्रेटरी जो रहते हैं, सचिव रहते हैं, ये किसके कब से कब तक, 1876 से लेकर आपके 1890 तक इसके क्या रहते हैं, आपके सेक्रेटरी रहते हैं। और 1891 तक की अगर अपन बात करें, ठीक है, अगर साथी अपन बात करें 1891 से लेकर आपकी 1893 तक की अपन बात करें, ये साथी क्या बनते हैं, ALA के प्रेसिडेंट भी बनते हैं, क्या बनते हैं आपके, ALA के प्रेसिडेंट भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर है, याद रह जाएगा, जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपोर्टेंट है, कई जगह आपको मिलता है 1891 से लेकर 1892 और 1892 से 93, तो इस प्रकार से लिखना चाहो, इस प्रकार से भी लिख लो, ठीक है। 1891 से लेकर 1892 तक क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं। और इसके बाद में साथी यही क्या बनते हैं भाई, 1892 से लेकर 1893 तक यहाँ पर ये साथी जो प्रेसिडेंट बनते हैं, ये प्रेसिडेंट इनको जो आपके अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसके नियुक्त किया, आपके ALA का क्या किया, इनको अध्यक्ष नियुक्त किया है। और इसके बाद में अगर कुछ और अगर अपन बात करें 1883 से लेकर, कब से लेकर, 1883 से लेकर अपन बात करते हैं 1888 तक, मेलविल डेवी जो कोलंबिया कॉलेज है, कौन सी है, कोलंबिया कॉलेज, यहां पर साथी कोलंबिया कॉलेज में भी क्या बनते हैं, लाइब्रेरियन बनते हैं। ये जो मैं आपको एक ही चीज बोर्ड पे लिखवाया हूं, ये यहां से जो है ना, यहां से लेकर यहां तक आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। एक बार इसको लिख लो, इसके बाद अपन क्या करते हैं साथी, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निकली आपने, क्योंकि अगर साथी अपन बात करते हैं, देखो यहाँ ये जो है ना इंपॉर्टेंट है आपका जो मैंने लिखवाया है, क्योंकि यहां से हर बार क्वेश्चन बन के आते हैं।
आपके अपन बात करें 1901 से लेकर 1907 तक डायरेक्टर किसके, न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी के। 1880 से लेकर 1900 तक आपके न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी क्या बनते हैं, सेक्रेटरी सचिव रहते हैं। 1876 से लेकर 1890 तक साथ ही एलए के क्या रहते हैं, सेक्रेटरी रहते हैं। 1891 से लेकर 1892 तक साथ ही आपके एलए के प्रेसिडेंट रहते हैं। 1892 से लेकर 1893 तक एलए के प्रेसिडेंट। 1883 से लेकर 1888, ठीक है, यहाँ पर 1888 करना, ठीक है। तो यहाँ पर साथ ही क्या बनते हैं, कोलंबिया कॉलेज के ये प्रेसिडेंट बनते हैं। आज उसके बाद में साथ ही इसके कुछ पब्लिकेशन अपन बात करते हैं, जो मेलविल डेवी के द्वारा कुछ पब्लिकेशन किए गए हैं उनकी अपन बात करते हैं, प्रकाशन जो किए जाते हैं इनके द्वारा, कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों की अपन बात करते हैं। ये इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, आपको पूरा डेटा क्या करना, आपको याद करना है। देखो यहाँ पर अगर साथ ही अपन बात करते हैं भाई पब्लिकेशन, सबसे पहले इनका पब्लिकेशन आता है जो डीडीसी आती है, जिसका डीडीसी का पूरा नाम क्या आता है भाई, 1876 में क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पंपलेट्स ऑफ ए लाइब्रेरी, ठीक है, जिसमें 44 पेज थे, 42 प्लस दो पेज और हो गए थे बाद में, टोटल 44 पेज हो जाते हैं। देखो यहाँ पर आपसे कई बार क्वेश्चन बन के आता है डीडीसी का पहला संस्करण का पूरा नाम क्या है, तो ये भाई डीडीसी का पहला संस्करण का ही नाम। इसके बाद में 1885 में डीडीसी का जो है दूसरा संस्करण आता है, डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड डेरिवेटिव फॉर अरेंजिंग कैटलॉगिंग इंडेक्स पब्लिक एंड प्राइवेट लाइब्रेरीशिप एंड फॉर पंपलेट्स क्लिपिंग नोट्स स्क्रैप बुक्स, भाई ये लोग इतना बड़ा नाम, ये डीडीसी का सेकंड जो एडिशन है उसका नाम था। इसके बाद 1886 में इनकी बुक आती है, 1887 में आती है, 1895 में आती है, ये याद करना है, इसमें कोई है ना कोई समझने वाला कुछ तो है नहीं, ठीक है, जो याद करना का होता है वो याद करना ही आपको, ये याद करके जाना। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई निम्न से जो है मेलविल डेवी से संबंध कौन सी बुक रखती है, कौन सा प्रकाशन मेलविल डेवी का है, क्लियर है। इसके बाद में आ उसको लिख लिया कि आपने क्लास को पोज करके एक बार वीडियो को पोज करके लिख लो आप। देखो इसके बाद में साथ ही अपन बात करते हैं अगला, ठीक है, 1898 में इनकी बुक आती है सिंप्लीफाइड लाइब्रेरी स्कूल रूल्स के नाम से आती है, 1889 में आती है, 1890 में आती है, 1899 में आती है और 1904 में आती है, ठीक है, चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पर साथी एएलए के नाम से अवार्ड की अपन बात करते हैं, तो अमेरिका में साथी वर्तमान में समय में एएलए के जो है मेलविल डेवी है इनके नाम से कोई भी अवार्ड नहीं दिया जाता है, इनके नाम से कोई भी अवार्ड नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये साथी जब एक स्थापना होती है किसकी होती है अगर अपन बात करते हैं तो आपको लिखवा देता हूँ, एक बार इसको लिख लो एक बार, ठीक है, लिख लिया कि आपने वीडियो को पोस्ट करके लिख लिया। देखो एक संस्था की स्थापना होती है उसको आपको लिखवाया नहीं, उसको भी लिखवा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है, एक बन के आता है लेक प्लेस्ट क्लब, कौन सी आती है भाई, लेक प्लेस्ट क्लब। इस लेक प्लेस्ट क्लब की अगर साथी अपन बात करते हैं ना, ये लेक प्लेस्ट क्लब क्या है, ये लेक प्लेस्ट क्लब की स्थापना साथी आपके 1895 स्थापना हुई है, इसकी जो स्थापना है 1895 मेलविल डेवी ने इसकी स्थापना की है, मेलविल डेवी ने या मेलविल ने अपन बात करें, एनी आर गॉडफ्रे, कौन है भाई, एनी आर गॉडफ्रे, एनी आर जो गॉडफ्रे है, एनी आर अपन बोल सकते हैं यहाँ पर गॉडफ्रे नहीं आपका, जो एनी आर इनकी पहली पत्नी है एनी आर, ठीक है, एनी आर के साथ मिलकर, एनी आर के साथ मिलकर मिलकर किसकी स्थापना की, साथी लेक प्लेस क्लब की स्थापना की। ये स्थापना साथी जो स्थापना होती है कहां पर होती है, फ्लोरिडा में होती है, ठीक है, इसकी जो स्थापना होती है कहां पर होती है, फ्लोरिडा में होती है। जब मेलविल डेवी की मृत्यु होती है 26 दिसंबर 1931 को मृत्यु होती है, तो वो मृत्यु जो होती है ना, जो लेक प्लेस क्लब है यहीं पर साथी क्या होती है, मेलविल डेवी की मृत्यु होती है वहां पर। वर्तमान समय में लेक प्लेस क्लब जो है मेलविल डेवी के लिए एक संग्रहालय, वहां पर एक म्यूजियम बनाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जो कि कहां पर बनता है, फ्लोरिडा में है। जब मेलविल डेवी के साथ ही मृत्यु होती है उसके बाद में अलग अलग जो पुस्तकालय थे मेलविल डेवी के नाम से यहाँ पर अवार्ड भी प्रारंभ की। यहाँ पर साथ ही इस लेक प्लेस फ्लोरिडा है, इस लेक प्लेस क्लब के पास कुछ एसवेत रहते थे, ठीक है, एसवेत रहते थे जो मेलविल डेवी इनके सख्त खिलाफ थे, मेलविल डेवी के आतंक के सब खिलाफ थे, कुछ के साथ ही मेलविल डेवी के ऊपर इनका जो अश्वेत व्यक्ति जो आसपास में इसके पास रह रहे थे उनके ऊपर जो है एक मृत्यु जो अपन बोल सकते हैं मर्डर का केस भी यहाँ पर मेलविल डेवी के ऊपर चला था, तो बाद में साबित भी होता है कि भाई इस यहाँ पर मेलविल डेवी का हाथ है। तो बाद में अब सर अपन बात करें लगभग साथ ही 2000 जो है 18 या 19 में जो है एएलए ने जितने मेलविल डेवी के नाम से अवार्ड्स प्रारंभ कर रखी थी वो सभी अवार्ड्स क्या कर दी, एएलए के जो है मेलविल डेवी के नाम से जो प्रदान करते उन सभी का क्या कर दिया, नाम बदल दिया, अब मेलविल डेवी के नाम से कोई भी अवार्ड प्रदान नहीं करता है,
क्योंकि जो है एच प्रवेद के खिलाफ इनके साथी उस वक्त जो है कुछ जो इनका खिलाफ जो मर्डर वर्डर का कुछ सबूत भी मिले थे, और बाद में अभी जो है यूएसए में लगभग जो मेरे को कन्फर्म ईयर याद नहीं है, 2018 या 19 में जो है थोड़ा सा मामला गरमाया था कि भाई इनका इनके नाम से क्यों अवार्ड दिया जा रहा है। कुछ एच प्रवेद ने जो है इनके नाम से अवार्ड लेने से मना कर दिया था कि भाई ये उस वक्त जो है एच प्रवेद के खिलाफ थे और हमें इन्हीं के नाम से अवार्ड दे रू। तो अभी वर्तमान समय में मेलविल डेवी के नाम से कोई भी अवार्ड दिया नहीं जा रहा है। वो जो अवार्ड जो है कौन से अवार्ड से नहीं है, जब अपन एएलए का टॉपिक पढ़ते हैं और एक अलग से क्लास लेकर आऊंगा, क्या मतभेद था, किस प्रकार से था, एक लंबी चौड़ी कहानी है कौन से ईयर में किस प्रकार से था, तो वो अपन आगे अपन एक अलग से क्लास लेकर आऊंगा, उसमें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ये लेक प्लेस क्लब है। अगर आपसे पूछा जाए जो डीडीसी है, इस डीडीसी के बारे में आपसे पूछा जाए कि भाई कॉपीराइट के अधिकार, डीडीसी के संपूर्ण जो कॉपीराइट के अधिकार है ना वो किसके पास है भाई, कॉपीराइट के अधिकार वो साथी लेक प्लेस क्लब के पास। देखो डीडीसी का जो प्रकाशन तो कौन करता है वर्तमान में, ओसीएलसी करता है। जो डीडीसी है इसका प्रकाशन की अगर अपन बात करें वो तो ओसीएलसी कर करता है, लेकिन इसके अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण कॉपीराइट के अधिकार, जितने भी कॉपीराइट के अधिकार, जितने बुक्स आपके मेलविल डेवी ने जो भी आपके कार्य किए हैं, जो भी लॉयल्टी मिलती है वो इस लेक प्लेस क्लब के पास जाती है। ठीक है, इसके पास पूरे संपूर्ण कॉपीराइट के अधिकार है। तो इस लेक प्लेस क्लब को अपन साथी अपन कभी, वैसे एग्जाम में यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बन के नहीं आएगा, लेकिन अपन कभी जैसे यूजीसी नेट के टाइम में क्लास में अपन पढ़ेंगे कि लेक जो आपके लेक प्लेस क्लब है इसकी स्थापना किस प्रकार से होती, किस प्रकार से मतभेद चलता है, कौन कौन से अवार्ड पहले दिए जा रहे थे, फिर हटा लिए, फिर आपके प्रधान के जन्म लेके फिर हटा लिए, तो बहुत सारी बातें होती है मेलविल डेवी के बारे में। तो वो अपन क्या करेंगे अलग से क्लास में अपन पढ़ेंगे, क्योंकि लंबी क्लास हो जाएगी और वो इतना डीपली है कि एग्जाम में अभी तक ऐसा क्वेश्चन बन के भी नहीं आया। ठीक है, तो आज की क्लास को साथ ही अपन समाप्त करते हैं। आज की क्लास में अपन जो पढ़े हैं मेलविल डेवी की बायोग्राफी पढ़े हैं, और ये मेलविल डेवी की जो बायोग्राफी पढ़े हैं साथ ही अपन बिल्कुल कंसेप्ट वाइज पढ़े हैं, बिल्कुल कंसेप्ट वाइज पढ़े हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़े हैं कि जहां जहां से क्वेश्चंस बन के आते हैं, जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस के साथ ही अपन आज की क्लास अपन डिस्कशन किया है मेलविल डेवी के बारे में। बिल्कुल जो मेन मेन जो अपने अपन इन्फॉर्मेशन थी, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से लेकर हाई लेवल तक जहां तक क्वेश्चन आपके बन के आ सकता है, जैसे केवीएस हो गया, जैसे एनवीएस हो गया, जैसे DSSSB हो गया, बिहार लाइब्रेरी हो गया, पंजाब लाइब्रेरी हो गया, हर एग्जाम में ठीक है अकॉर्डिंग इसको साथ ही अपन ने पढ़ लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई बिहार का जो है ना मेलविल डेवी की एग्जाम में बायोग्राफी नहीं बन के आएगी, कॉमन टॉपिक है, ऐसे कुछ टॉपिक है जो कॉमन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। अगर साथ ही इस टॉपिक से संबंध कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, कहीं पर भी आपको कुछ आपको डाउट होता है, समझ में नहीं आया, तो आपको चैट का ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन पर, वहां से जाकर आप डिस्कशन कर सकते हो। आपके सामने स्क्रीन सामने नंबर स्क्रोल हो रहे हैं, उस नंबर पर आप फोन करके कभी भी फोन कर सकते हो। आप कोई भी प्रॉब्लम है आप आराम से कीजिए, लेकिन साथ ही एग्जाम जब आपका एग्जाम हो उस एग्जाम में डाउट नहीं रखना है। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं लेके जाना है कि वहां पर आपको वो डाउट जो है ना वो परेशान करे। पहले ही जब आपका एग्जाम से पहले साथी जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सभी डाउट्स आपको क्या करना है, क्लियर करके जाना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्लास समझ में आएगी। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के सभी को जय हिंद जय भारत।